हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुमेरपुर में भाजपा और कांग्रेस की होगी कड़ी टक्कर। सुमेरपुर विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर होगी। गुरुवार को उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रत्याशियों की चहल पहल रही, जहां पर कई प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। कांग्रेस से बगावत पर उतरे भूराराम सिरवी ने हाईकमान के निर्देश पर अपना नामांकन वापस ले लिया, जबकि दूसरी तरफ भाजपा के केंद्रीय विधि मंत्री पीपी चौधरी की समझाइश पर निर्दलीय अनूप सिंह राठौड़ ने भी अपना नामांकन वापस लेकर भाजपा को समर्थन दिया। वहीं सुमेरपुर विधानसभा चुनाव में 43 नामांकन दाखिल किए गए थे, लेकिन आखिरी दिन तक 18 प्रत्याशी मैदान में डटे रहे, जिसमें भाजपा से जोराराम कुमावत, कांग्रेस रंजू रामावत, शिवसेना संतोष कंवर राजपुरोहित, जेडीयू से हेमराज माली, नया भारत पार्टी से किशोर वी शर्मा, बहुजन समाज पार्टी से सुरेंद्र परमार, दलित क्रांति दल से इमरान, भारतीय युवा शक्ति पार्टी कपूरा राम, आरक्षण विरोधी पार्टी गणपत सिंह राजपुरोहित, आम आदमी पार्टी जब्बर सिंह भूमिया, राष्ट्रीय समाज पक्ष तेज सिंह, बहुजन मुक्ति पार्टी रुपेश कुमार, ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी विक्रम, भारत वाहिनी पार्टी शंकर सिंह, निर्दलीय नोनजी, निर्दलीय भवर सिंह जोधा, निर्दलीय सोहन सिंह प्रत्याशी मैदान में डटे रहे, जिसमें से 15 राजनीतिक पार्टियों से और 3 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में डटे रहे हैं। मैंने सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में नामांकन भरा था, वो मेरे भूमिया राजपूत समाज और 36 वर्ण के सहयोग से। मेरा मुख्य मुद्दा था कि आज तक हमारी भारत आज़ादी के बाद स्थानीय व्यक्ति को कोई उम्मीदवारी नहीं दी है, इसलिए मैंने ये फार्म भरा था। आज मुझे केंद्रीय मंत्री पीपी साहब पधारे, हमारी जो दुख था वो हमने उनके सामने पेश किया या जनता की पीड़ा को पेश किया, और उन्होंने हमारी बात को पूरी सुनी और उन्होंने अंत में एक ही बात कहा कि अनूप सिंह जी, आपका मुख्य मुद्दा था वो स्थानीय का था, इसलिए हमने आपकी मांग को स्वीकार किया कि आप। सुमेरपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।